एसडीएम कार्यालय चौरई की सभा कक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। तहसीलदार महेश अग्रवाल की अध्यक्षता में पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक हुई। वोटर आईडी से आधार नंबर जोड़ने का अभियान 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के आधार नंबर जोड़ेंगे। ऑनलाइन भी आधार लिंक किए जा सकेंगे। आधार नंबर साल में 4 तिथियों में 18 साल पूर्ण करने वाले युवा होंगे। पात्र 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 अगस्त और 1 अक्टूबर को 18 साल के हुए युवाओं को पात्र होने पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एडवांस में आवेदन कर सकते हैं। 17 प्लस होने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं, 18 के होने के बाद नाम जुड़ेगा। आधार नंबर जुड़वाना है, शैक्षिक आधार नंबर नहीं जुड़वाने पर मतदाता सूची से नाम नहीं हटेगा। सर, आज ये मीटिंग जो ली गई है इस बारे में बताइए। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में आधार कार्ड कलेक्शन और 18 साल के उम्र पूर्ण करने वाले मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का कार्यक्रम चालू हो गया है। इसके तहत आज जनपद चौरई अंतर्गत स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रमुख दलों के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया गया था, कई पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया था। मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से उन्हें पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है और आज से आधार कार्ड का रेस्मय काम प्रारंभ हो गया। सर, मैं इसमें मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बात यही है कि आधार कार्ड एक बार अनिवार्य लिंक होगा मतदाता सूची के साथ, ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। और हम मतदाताओं को आश्वस्त करते हैं कि उनका आधार कार्ड बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, पूरे 8 नंबर 8 डिजिट उसके मास्क रहेंगे और जो भी आधार कार्ड वाले कागज रहेंगे वो सभी डबल लॉक में सुरक्षित रहेंगे। कब तक चलेगा सर ये कार्यक्रम? ये अभी जब तक के कलेक्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक है, ये आज से प्रारंभ है। चौरई से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।